तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जला। तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है,